सिर पे ये भी लिख रखा है लव खामोश और दिल में राहुल। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, कितनी आवाजों को रोकोगे, कितनी आवाजों को दबाओगे? हर घर से राहुल निकलेगा, हर दिल से मोदी राहुल निकलेगा। मैं इस बात को जोर से कहता हूँ और शोर से कहता हूँ कि छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। ये ललित मोदी, नीरव मोदी जो देश का खजाना लूट कर देश से गद्दारी कर रहे, क्यों मोदी जी उन्हें गले लगा रहे? आज देश का बच्चा बच्चा ये कहने लगा, मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी। हम सब आक्रोशित हैं, हम सब जानते हैं कि जब अडानी और मोदी के रिश्ते को राहुल गांधी ने तार तार कर दिया, जग के सामने कर दिया, तो मोदी जी को छटपटाहट हो गई। जब बेरोजगारों की बात उठाई, जब मणिपुर पहुंच गए, जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने अपने दम पर भारत जोड़ दिया, महात्मा गांधी की दिखाई राह पर चल के भारत को जोड़ दिया, तो एक बार बीजेपी दल घबरा गई। अरे इन्हें पता नहीं है ये इंदिरा गांधी के बच्चे हैं, जिन्होंने ये कहा था कतरा कतरा मेरे लहू का आएगा देश के काम, ये कह के इंदिरा ने शहरी सीने पे गोली तमाम। ये राजीव गांधी के बच्चे हैं। और मैं नमन करता हूँ मेरी बहन प्रियंका गांधी को, जो शान से कहती है मुझे मेरे भाई पर गर्व है, जो कहती है मेरा भाई गोली और गाली से डरता नहीं है। मैं नाच करता हूँ राहुल गांधी पे, मैं अभिमान करता हूँ इंदिरा गांधी पे। मैं कहता हूँ दुनिया की माँ तो दो दो लाल जन्म देती है, इंदिरा गांधी ऐसी माँ थी जिन्होंने पूरे वतन को, पूरे राष्ट्र को जन्म दिया। मैं अपने आप को धन्यभागी कहता हूँ कि मैं आज राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। देश में एक ही आवाज, एक ही चेहरा, एक ही विकल्प, एक ही शक्ति, एक ही महानायक अगर कोई है तो राहुल गांधी है। ये मणिपुर में जाकर राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि जब मोदी जी देश चल रहा था, मणिपुर चल रहा था, तो दुनिया में घूम घुमैया कर रहे थे, हॉलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे, लेकिन सदन में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब दो शब्द सदन में बोलने की बात आई तो राजनाथ के पीछे छुप गए, लेकिन जब उद्घाटन करने की बात आती है तो राजनाथ को धक्का मार देते, गडकरी को धक्का मार देते। एक फ्रेम में एक प्रधानमंत्री क्यों आना चाहिए? दुनिया देखने लगी है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री है। ये देश का अफसोस है। काश मोदी के घर में बेटी होती, काश मोदी जी के घर में बेटियों की किलकारी गूंजती, तो आज किसी फौजी की पत्नी जिसने कारगिल के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज वो रो रो के ये नहीं कहता, मोदी जी से ये सवाल नहीं पूछता, मोदी जी जब मैं भारत माँ के लिए लड़ रहा था, जब मैं देश के लिए लड़ रहा था, अपनी छाती आगे करके खून बहाना जा रहा था, तो आप मेरी बेटी को, अपनी मेरी पत्नी को निर्वस्त्र चीरहरण क्यों करा रहे थे? क्या जवाब देंगे मोदी जी आप उस फौजी को जिसने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान आगे कर दी? आज देश में बेटियां कहाँ सुरक्षित है? मोदी जी कहाँ सुरक्षित है? ये 56 इंच का पत्थर जो देश पर पड़ गया है, अब लोग इस पत्थर से छुटकारा चाहते हैं। मोदी जी आपका मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार आपकी, डबल इंजन की सरकार और पटरी पर बेटियों की आबरू तार तार, देश शर्मसार। वो मुख्यमंत्री ये कहता है, एक ही वीडियो आई है, ऐसी सैकड़ों वीडियो है, और उस मुख्यमंत्री को आप गले लगा रहे। आपका आभूषण ब्रजभूषण बना हुआ है, कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी का नेता है, कैनी शर्मा का लाल आपके गले से चिपका हुआ है, और आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस मुंह से मणिपुर जाएंगे मोदी जी? चुनाव तो 5 साल बाद फिर होंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? हे प्रचार मंत्री, अब आपको देखकर लोग टीवी का रिमोट ढूंढने लगे, रिमोट नहीं मिलता तो स्विच से बंद कर देते, स्विच से नहीं बंद होता तो जूता चप्पल मार के टीवी फोड़ देते, लेकिन आपको नहीं देखना चाहते। ये आरएसएस जान चुका है, आरएसएस ने अपने मुखपत्र में भी लिख दिया है कि मोदी का मैजिक और हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है। अगली बयार, अगली आवाज राहुल गांधी की है, और देश एक हुंकार में बोल रहा है, राहुल गांधी जिंदाबाद।